दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा के सांसदों के बिल के बीच ये बिल सर्कुलेट किया जा चुका है। 19 मई 2023 से लागू होगा। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। क्या और जानकारियां हैं इससे जुड़ी, हम दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। जी निश्चित तौर पर विवादास्पद बिल है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक लोकसभा के सभी सांसदों को वितरित कर दिया गया है। संभावना है कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह इसे लोकसभा में रखें। लोकसभा में जहां तक आप जानते हैं कि सरकार के पास अंकगणित पूरी तरह से साथ है, इसलिए वहां से इस बिल को पारित कराने में कोई दिक्कत सरकार को नहीं आएगी। इसी दौरान जबकि मणिपुर को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है, कई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पारित कराए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पूरे देश में इस बिल के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। विपक्ष के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है और यही कारण है कि राज्यसभा में जहां पर सरकार को बहुमत नहीं है, विपक्ष की कोशिश होगी कि इस पर बिल पर मत विभाजन कराया जाए ताकि ये पता लगाया सके कि कौन सरकार के साथ खड़ा है, कौन सरकार के खिलाफ है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिल रही है कि राज्यसभा जहां पर की मणिपुर की घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो कुछ समय के लिए विपक्ष अपना विरोध रुकेगा और इस बिल पर चर्चा साथ ही मत विभाजन की भी संभावना वहां पर बनाई जाएगी। इस तरह से विपक्ष के नेता इशारा दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि संख्या बल का मामला है, इसलिए ऐसे विपक्ष के सांसद जो कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, उन्हें भी सदन में लाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या जेडीयू के सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह हो या जेएमएम के सांसद और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन, उन तमाम बड़े नेताओं को भी वहां पर लाने की बात कही जा रही है। तो कोशिश यही होगी कि हर तरह से अपनी जो संख्या है वहां पर राज्यसभा में दिखाई जाए। आप ये जो बिल है जानते ही है कि इसके लिए ऑर्डिनेंस 19 अगस्त को जारी किया गया था और ये जो बिल बनाया गया है इसमें ये पूरी तरह से ऑर्डिनेंस के शक्ल पर ही है, यानी जैसे ये बिल पास होकर के कानून बनेगा वैसे ही ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा। 19 अगस्त से ही ये सारे प्रावधान जो है वो लागू होंगे। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग, उनकी विजिलेंस जांच के सारे नियम जो है वो अथॉरिटी जो है 3 सदस्यों की वो तय करेगी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव जो है वो इसके सदस्य होंगे और साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इसके सदस्य होंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी कि अगर इस अथॉरिटी में और उपराज्यपाल की राय में अगर समानता नहीं है तो उपराज्यपाल की जो राय है वही सर्वोच्च मानी जाएगी। तो यानी जो अंतिम निर्णय करने का अधिकार है वो उपराज्यपाल को दिया गया है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने इस ऑर्डिनेंस का भी विरोध किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये भी आपत्ति की है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है जो कि संविधान पीठ को भेजा जा चुका है तो वैसे में संसद क्यों बिल बना रही है। लेकिन इस पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि कहीं भी संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है कि संसद जो है वो बिल नहीं कानून नहीं बना सकती है, बिल पर चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए ये जो आम आदमी पार्टी का इतराज है जायज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सप्ताह है इसमें काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर कब चर्चा हो ये भी सोमवार को तय होगा।